पठानकोट के हल्का सुजानपुर में देर रात एक घर के पास खड़ी वरना कार को आग लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कार मालिक ने घर के बाहर अन्य कारों के पास अपनी वरना कार लगाई हुई थी कि कुछ शरारती तत्व वहां पर आए व उनकी कार को आग लगा कर भाग गए। बता दें कि सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ शरारती तत्व वहां पर एक सफ़ेद रंग की कैनी लेकर आए व वरना कार को आग लगा कर भाग गए। आग लगने से पूरी कार सड़कर सवा हो गई व साथ ही अन्य कारों को भी आग ने नुकसान पहुंचा दिया। कार मालिक ने बताया कि जब कार को आग लगी थी वह अपने घर में सोया हुआ था। पड़ोसी ने उन्हें फ़ोन किया कि आपकी कार को आग लगी हुई है और जब वह बाहर आया तो उनकी कार बिल्कुल जल चुकी थी व उसके साथ लगी अन्य कारें भी उनकी चपेट में आई हुई थी, जिससे उनका भी नुकसान हुआ है। कार मालिक ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि आग किसने लगाई है, पर यह बात साफ है कि किसी ने सिर्फ उनकी ही कार को आग लगाई है, जिससे यह लगता है कि किसी ने उनसे कोई रंजिश निकाली है। कार मालिक ने कहा कि उनकी ओर से संबंधित पुलिस शिकायत भी की गई है और उनकी मांग है कि पुलिस दोषियों को जल्द काबू करे व उन्हें सजा दे। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। भाई मेरा नाम साहिल है, साहिल मैं इन सुजानपुर तो। मैं कुछ कल रात सुते रही तो मैंने नाल के गुआढ़ियों का फोन आया वा कि इदा तोड़ी गड्डी अग लगे दी है। अं उतों दौड़ गए, अगे देखिए उन्नी देर गड्डी बिल्कुल टोटल लॉस हो गई थी। लागे साढ़े अपना है उ सीसीटीवी कैमरे अं उ फुटेज कढ़वाई है तो दी है उन्होंने। अं कंप्लेन सुजानपुर थाने कंप्लेन करती है, SHO साहब आए मौका देखा उन्होंने तो बाकी उन्होंने फुटेज वगैरह देती है। हूँ बस फिर अगे देखो वरना गड्डी जी नाल एक गड्डी लगी थी, टीजू भी लगी थी, भी नुकसान होता वा टायर टूर फट गया, टायर टूर वे भी पिघल गया, भी काफ़ी नुकसान होता नाल की गड्डी नुकसान। मंग यही करते हैं कि तीन बंदे आए थे सी फुटेज के साफ लगता वा तीन बंदे आए थे ही गबले बंदे ने वाइट कलर की कैनी फड़ी है। तो अं यही मंग करते हैं कि लभ के बंद उन्होंने ये कल इन्होंने गड्डी फूकी है कल कोई बड़ी वारदात भी अंजाम दे सकते हैं कोई। अं यही कहने कि फड़ के सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। शक वगैरह किसी भी नहीं है, ना ही किसी रंजिशबाजी है ना ही कोई गल। रंजिशबाजी जिस हिसाब ना लगता पाया पेट्रोल उन्होंने लिया के लाइन बनाई है, जिदा सीधी सीधी लाइन दिखते पे आप बनाई है वो तो सीधी लगता पाया कि तीन गड्डिया लगिया वा उत्थे साड़ी गड्डी तो उन्होंने पेट्रोल सुटिया वा, तो यही लगता वा कि साढ़े ना ही रंजिशबाजी कड़ी है किसी ने। बस इस तो बाद होर कोई गल नहीं। अपनी वजन की समस्या को कहें अलविदा, टेस्टी डाइट के जरिए प्रभावी तरीके से कम करें वजन। 90 दिन के आहार पर आधारित आपके द्वारा खाने के तरीके को करेगा व्यवस्थित। इंतजार किस बात का, आप ही फोन उठाइए और राजेंद्र सेठिया से जाने अपनी हर समस्या का समाधान। आज ही संपर्क करें 9781122000। हाय, आई एम राजेंद्र सेठिया, फिटनेस कोच, वेलनेस कोच। तो हम लोगों को वेट लॉस, मसल गेन, लाइफ टाइम फिट कैसे रहना है उसके लिए जानकारी देते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोगों से हम पूछते हैं कि आपने वेट लॉस के लिए, फिटनेस के लिए क्या किया, तो वो कहते हैं मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया, मैंने जुम्बा क्लास ज्वाइन किया, मैंने डाइटिंग करी। तो फिटनेस में जो मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल है वो है 20% एक्सरसाइज और 80% हमारी न्यूट्रिशन, डाइट का रोल है। तो किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें कितना प्रोटीन चाहिए, हमें कितना फाइबर चाहिए, हमें कितने विटामिन्स चाहिए, हमें कितने कार्ब चाहिए, कौन से कार्ब चाहिए। अगर पता भी है तो हमें पता नहीं है कौन से कार्ब हमें कहाँ से लेने चाहिए, कौन सी फाइबर हमें कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से प्रोटीन लेना चाहिए, हमारी प्रोटीन कितनी मात्रा हमें चाहिए। तो हम लोगों को ये फिटनेस के बारे में, वेट लॉस के बारे में, मसल गेन के बारे में, आप मेडिसिन फ्री लाइफ, बीमारियों से कैसे बच सकते हो उसके बारे में जानकारी देते हैं। हम ऑनलाइन आपको घर बैठे पूरी जानकारी देंगे, आपको जूम कॉल के ऊपर हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन डेली सुबह 6:30 से 7:30 बजे हमारा एक सेशन होता है जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग हमारे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए 9781122000। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप मुझसे कॉल करेंगे, मुझसे बात करेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में, आपको लाइफ टाइम फिटनेस एंजॉय करने में। थैंक यू।